नमस्कार, मैं डॉक्टर मानव सूर्यवंशी, हेड ऑफ यूरोलॉजी, इंचार्ज यूरो ऑन्कोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी एट अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर फरीदाबाद, आज आपको संबोधित कर रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द एसेंशियल गाइड टू प्रोस्टेटिक हेल्थ, अंडरस्टैंडिंग सिम्टम्स, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। प्रोस्टेट एक वॉलनट साइज ग्लैंड है जो मर्दों में पाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर के नीचे। ये यूरिथ्रा नामक ट्यूब जिससे यूरिन जाता है उसको एनगल्फ करता है या उसके आसपास पाया जाता है ब्लैडर के नीचे। इसका मेन कार्य मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है। इसके थ्रू सीमन बनता है और नर्चर होता है और एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रोल प्ले होता है। प्रोस्टेट आज की डेट में एक बहुत ही उभरती हुई समस्या है, जिसे देखा गया है कि जैसे मेन एज कर रहे हैं और लॉन्जिविटी बढ़ रही है तो उनमें सिम्टम्स भी बढ़ते जाते हैं। प्रोस्टेट में लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स बनते हैं, जिसमें यदि मर्द लोग ध्यान से सोचें तो उनकी पेशाब करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, अर्जेंसी आती है यानी कि उन्हें बार बार पेशाब जाने को लगता है, कभी कभार चंद बूंदें उनमें लीक हो जाती हैं, रातों को बार बार उठना पड़ता है या उनको ऐसा लगता है जैसे कि उनके पेशाब का फ्लो पुअर हो चला है। जो पहले धार नॉर्मली आती थी उसमें भी ऐसी फीलिंग आती है जैसे वो चालू हो रही है या बंद हो रही है, उन्हें ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है या सेटिस्फैक्शन नहीं आता कि उनका पेशाब खाली हो गया हो। इसी कारणवश ऐसे मर्दों को प्रोस्टेट की हेल्थ को आगे इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, जिसमें मेनली आपके 2-3 टेस्ट आते हैं, जैसे सीरम PSA जो कि एक ब्लड में टेस्ट किया गया मार्कर है जिससे पता चलता है कि लोगों में ट्यूमर का शुबा या शक तो नहीं है। इसकी यूजली कट ऑफ इंडिया में 4 ली जाती है, उससे कम नॉर्मल माना जाता है और उससे ऊपर ऐसा होता है कि आपको पेशेंट्स की आगे जांच करनी पड़ती है कैंसर रूल आउट करने के लिए। ऐसे मर्दों के लिए जब डॉक्टर जांच करते हैं OPD में तो वो लैटरिन के रास्ते DRE भी करते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसमें वो देखते हैं कि प्रोस्टेट कितना बड़ा हुआ है या उसमें कोई हार्डनेस या नोड्यूल्स तो नहीं मिल रहे। यदि कोई भी शक रहता है कैंसर का तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड गाइडेड बायोप्सी ऑफर की जाती है। अब आप इस पे आगे चलते हैं तो देखते हैं कि ऐसे पेशेंट्स में 2-3 किस्म की विधियां और ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो काफ़ी सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स इतना एडवांसमेंट आ गया है जिनमें कैंसर नहीं है पर केवल प्रोस्टेट का साइज बड़ा है, उन्हें आप दवाइयों से मैनेज कर पाएंगे और वो इससे एक बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ पाएंगे और उनका यूरिन भी बहुत नॉर्मल फ्लो में पाया जाता है इसके बाद। और इस किस्म की भी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिससे आप प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज सिकोड़ सकते हैं हार्मोनल मैनिपुलेशन से। आप 20-50% साइज सिकोड़ पाते हैं ऐसे पेशेंट्स में ओवर 6 मंथ्स। यदि जो पेशेंट्स 15-20% रह जाते हैं और ऐसे दवाइयों पर मैनेज नहीं हो पाते, आप उनमें सर्जरीज कर सकते हैं। जैसे मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज आ गई हैं आजकल, यूरोलिफ्ट, जिसमें स्टेपलिंग डिवाइस है, आप केवल मात्र रास्ते को खोल सकते हैं लोकल में उन पेशेंट्स में जो बाकी साइड इफेक्ट्स नहीं चाहते। इस किस्म की लेटेस्ट विधियाँ हर किस्म के पेशेंट में अवेलेबल या कारगर सिद्ध नहीं होती हैं, लेकिन कुछ सबसेट ऑफ यंगर पेशेंट्स में कारगर सिद्ध होती हैं। आज की डेट में रिज़म नाम की एक टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें आप स्टीम से प्रोस्टेट ग्लैंड को इवेपोरेट कर सकते हैं, पर इनका भी एक लिमिटेड सबसेट है जिसमें इंडिकेटेड है। गोल्ड स्टैंडर्ड आज भी पेशेंट्स में ट्रांस यूरेथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट है या TURP है। TURP में भी अब 2 किस्म की विधियाँ हैं, क्लासिकल मोनोपोलर या बाइपोलर। यदि हार्ट के पेशेंट हैं, यदि बाकी कोई और इश्यूज हैं आपके या ग्लैंड लार्जर है तो आप बाइपोलर की ओर चलेंगे। और इसके आगे चल के आपको लेजर की विधि भी अवेलेबल है जिसके अपने सबसेट हैं या लार्जर ग्लैंड्स में या लेसर ब्लड लॉस की एडवांटेजेस अवेलेबल है। यदि पेशेंट में आप प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस बना जाते हैं तो आज इतनी ज़्यादा डिटेल्ड नॉलेज अवेलेबल हो गई है प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स के एवं एवज में कि आप उनमें केवल मात्र उन्हें एक्टिव सर्वेलेंस ऑफर कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं और वो अपनी बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ पा सकते हैं बिना साइड इफेक्ट्स के। ये खास तौर पे लो रिस्क पेशेंट्स में किया जाता है। इंटरमीडिएट या हाई रिस्क पेशेंट्स में आपको रोबोटिक सर्जरी जैसी विधि अवेलेबल है जो कि हमारे यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट डाविंची रोबोट अवेलेबल है एट वेरी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव रेट्स। पेशेंट्स में छोटे छोटे इंसिजन्स, लिमिटेड ब्लड लॉसेस, अर्ली रिकवरी का एडवांटेज मिलता है और कॉन्टिनेंस की भी बेहतर रिकवरी होती है और काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पेशेंट्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन को भी अवॉइड किया जा सकता है। यदि लोकली एडवांस प्रोस्टेट है तो आप ऐसे पेशेंट्स में रेडिएशन ऑफर कर सकते हैं या वो पेशेंट्स जो अनफिट हैं या चुनेंगे ही नहीं कि वो सर्जरी कराना नहीं चाहते हैं, तो आप अपने डॉक्टर को अप्रोच करें और उनके साथ इन्फॉर्म्ड और शेयर डिसीजन मेकिंग करें और समय रहते ही प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स को अवॉइड करें। धन्यवाद।